नमस्कार आप लोग देख रहे हैं न्यूज पोस्ट रियासी अभी आपने एक छोटी सी वीडियो देखी होगी मेरे साथ स्क्री... आप स्क्रीन पे भी इस समय देख सकते हैंपी फेंसर के नाम से आप इन्हें जानते हैं यूट्यूब पे हैप्पी फैंसर ब्लॉग्स करके इनका चैनल है और एक बड़ी गर्व की बात हमारे रियासी के लिए कि हमारा रियासी का बेटा जो है वो जम्मू में जाके स्टैंड अप कॉमेडी शो में रियासी को रिप्रेजेंट किया इन्होंने सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं जहाँ तक आपको जानता हूँ आ, आप, आप शुरू से फेंसिंग में बड़े इंटरेस्टेड थे तो उसके बाद ये स्टैंड अप कॉमेडी शो में कैसे आप यहाँ पहुँचे बकलोल टीवी से कैसे आपकी मुलाकात हुई उसके बारे में थोड़ा बता दें जी देखिए जैसे हमारे अगर रियासी में माना जाए तो मैं आपका नाम लेता हूँ कि टैलेंट को मतलब कोई भी टैलेंट किसी तरह का भी हो उसको ना एक प्लेटफॉर्म चाहिए ठीक है और हमारे जम्मू में बकलोल टी ऐसा प्लाट प्लेटफॉर्म हर एक किस्म के आर्टिस्ट को दे रहा है इस समय किसी की भी सपोर्ट की ज़रूरत हो हम उनको रात को ढाई बजे भी किसी चीज़ की जरूरत पड़े फ़ोन करें या कुछ भी पूछें तो ज़रूर बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो और स्टैंड अप कॉमेडी सच बताऊं तो मेरे माइंड में या मेरे मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं कुछ ऐसा शो कर सकता हूं या कुछ नहीं बट ये उन्हीं का था कि उन्होंने उन, ही मुझे देखा और मुझे ये कहा कि हाँ तू कर सकता है और सच बताऊँ जिस समय ये पोस्टर रिलीज़ हुआ उन्होंने मेरे को सिर्फ बोला कि तेरा एक फ़ोटो चाहिए किसी के लिए और उन्होंने पोस्टर डाल दिया था और मुझे बोला था कि तू अब ये करेगा ही करेगा उनको पता थी कि मैं कर सकता हूँ मुझे अपने में ये था कि हाँ यार मैं क्या करूँगा क्या बोलूँगा पर उन्होंने मुझे ये चीज़ कही कि जो तेरे में नेचुरल चीज़ें हैं ना तो वहीं जाके स्टेज पे वही बातें बताना मेरे घर की मैंने अपने और पापा की स्टोरी मेरी और मम्मा की स्टोरी ये चीज़ें सिर्फ बताइए वहाँ पर और लोगों ने जो मतलब आप्र... मैं खुद हैरान था कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म किया है जैसा कि वहाँ पे फीडबैक मिला रिस्पांस मिला सबसे और काफ़ी अच्छा लगा था मुझे उस समय कि मतलब मतलब पहले तो मैं काफ़ी नर्वस भी था पर शो के बाद काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सब करके ये करने फील आता है अलग प्राउड हाँ। मोमेंट होता है भी हम रियासी वो ऐसे बुलाते हैं लोग भाई ये लड़का जो है रियासी का है रियासी से आया हुआ है हाँ। तो अलग एक फील आता है हाँ उसी दो दिन तो उसके बाद मैं जम्मू में ही रहा और जम्मू के बाद मैं परेड गया था मार्केट और वहाँ पे दो तीन सीनियर थे उन्होंने देखा कि आप हैप्पी फैंसर हो मैं हाँ कहते बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो लोगों को हंसा रहे हो और एक्चुअली इंस्टाग्राम पे भी ऐसा है कि मैं कॉमेडी वीडियो डालता रहता हूँ रील्स ठीक है उनमें भी अलग कंटेंट दिखाया होता है फ़नी कोई सीरियस गाना भी उसमें भी मेरा ऐसा फन फनी निकलता है कुछ मतलब वो नेचुरल है मेरे में मैं कुछ सीरियस भी करूँगा वो फनी दिखेगा लोगों को मैं रोने भी जाता हूँ सीरियल मैं सच बताऊँ हमारे ए की तरफ से सबसे पहला हमने थिएटर किया था उसमें मुझे एक बहुत ही सीरियस रोल मिला हुआ था जिसमें मतलब मैं पुलिस का किरदार निभा रहा था और उसमें मुझे सीरीस इसी एक रोना था और मेरे उस रोने पे पूरी ऑडियंस हंसती रही थी मतलब उसके बाद मुझे कहीं पे भी कोई भी रोल मिल रहा उसमें मतलब मेरा लोगों की हाँ फनी ही मिलते हैं मुझे मतलब निकलता ही फ़नी है कुछ ऐसा ही हो गया लाइफ में कि लोगों को हंसाना मतलब मेरी कोई कोई कुछ भी करता हूँ लोगों को उस चीज़ में बहुत हंसी मिलती है तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मेरी वजह से हंस रहा है तो हाँ बिल्कुल इससे पहले हम एक के अम्बे भी आपको देखते थे उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ उसके बाद ब्लॉग्स हम देख रहे हैं आपके अब ये नया जो आप कॉमेडी में अगर आप ट्राई करने जा रहे हो तो ठीक ये अच्छा आपको एक बैग मिली हुई है पीछे से। बिल्कुल हाँ बैग मैं पीछे से बताता हूँ सबसे पहली जो मतलब मैंने अपनी लाइफ में कोई चीज़ जिसमें पाँव रखा था वो थी फेंसिंग फेंसिंग ने मुझे एक नाम दिया है फेंसर जो कि मुझे बच्चा बच्चा मतलब हमारे रियासी में बच्चा बच्चा इस चीज़ से जानता है कि हैप्पी फैंसर हैप्पी फैंसर कईयों को तो ये भी नहीं पता वो फैंसर क्यों है वो फैंसर है, है अजय भैया की वजह से हमारे मेरे सीनियर भैया थे, थे उनकी वजह से उसके बाद फैंसिंग के साथ साथ हमने स्कूल टाइम थिएटर ज्वाइन किया हमारे ए के सर थे अभिनय कला मंच के एक शेदाब खान नीरज भैया काका भैया सीनियर जो एक्टिंग थिएटर में थे इन इनकी वजह से मतलब आ, सीखने को बहुत कुछ मिला है मतलब जो थिएटर में जाते के बंदा होता है ना इतने लोगों के बीच जब जाकर बोलना है तो थोड़ा वो होता है नर्वस बंदा वो नर्वसनेस इतनी नहीं थी बट क्योंकि लोगों के सामने पहले का परफॉर्म कर चुके थे मैं मानता हूँ कि लाइफ में बच्चे को एक मतलब थिएटर जरूर ज्वाइन करना चाहिए कि उससे बंदे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है हर चीज़ में तो उसके बाद थिएटर के बाद वही बकलोल से मिला ब्लॉगिंग शुरू करी कि हाँ चलो कहीं पे भी जाता हूँ जैसे हम वेब सीरीज़ कहीं पे भी जाते थे तो ब्लॉग वगैरह शूट करने और उसके बाद वो मेरे अंदर का जो स्टैंड अप वाला ये था हमारे बकलोल टीवी वाले भैया और उन्हें सभी ने पहचाना और उन्होंने कहा कि इसको जरूर कर रजत भैया खास कर वो तो रात के तीन बजे भी उनको फ़ोन करूं तो वो रात को तीन बजे भी बोलेंगे कि नहीं ऐसे वो एक बड़े भाई की तरह डांटते हैं ऐसे नहीं ऐसे और मतलब कोई तो वो नहीं है कहते नाराज़ होने तो हो जाओ पर हाँ जो तुम्हें सही तुम्हारे लिए जो सही है वो सही है क्योंकि वो उनकी बड़ी सपोर्ट है मैं इस चीज़ में मानता हूँ अगर मैं स्टैंड अप में आया हूँ तो रंजित भाई और उनका आप फर्दर आप आपका है प्लान के स्टैंड अप में और आगे अगर कुछ हुआ तो इसमें करना आपने हाँ हाँ नहीं होगा नहीं अब मतलब सोचा हुआ है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिला अभी भी मतलब बहुत सारे ऐसे कॉल्स वगैरह आते हैं कि अभी स्टैंड अप के लिए कहाँ जा रहे हो मतलब वो सब मतलब अभी है इसमें मतलब अच्छा रिस्पांस मिल रहा तो जरूर ट्राई करूंगा ट्राइग कि लोगों को हंसा पाऊं क्योंकि जो टैलेंट है अंदर कई बार ऐसा होता है कि जो टैलेंट होता है हमें भी खुद पता नहीं होती वो दूसरों को पता चलती है और जब दूसरों के थ्रू हमें वो चीज़ पता चलती है मैं तो चाहता हूँ कि हाँ अगर ऐसा है मेरे में कुछ तो मैं ज़रूर उसको बाहर निकालूंगा ब्लॉग्स भी कंटिन्यू करने ब्लॉग्स भी देख रहे हैं हम आपके काफ़ी लोग जो है रियासी के आपके थ्रू रियासी को और देखते हैं लोग रियासी में भी कोई बच्चा है वो ब्लॉगिंग करना चाहता है तो वो भी आता चलो एक कर रहा है उसको देख के मैं भी करता हूँ हाँ रियासी में बहुत सारे अपने जूनियर मतलब जूनियर क्या छोटे भाई हैं वो बड़ी बार फ़ोन करते हैं कि हाँ भैया ब्लॉगिंग और मैं चाहता हूँ कि सब करें क्योंकि हमारा रियासी इतना ख़ूबसूरत शहर है कोई भी मेरे इतने सारे फ्रेंड आए हैं रियासी एक बार आते हैं हर बार वो बहाना ढूंढते हैं कि रियासी कब आए इतनी प्यारी जगहें इतनी खूबसूरत जगह हैं और हमारे रियासी के लोग भी बहुत अच्छे हैं बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में मतलब अप्रीशिएट करना मतलब कोई सीखे तो हमारे रियासी क्योंकि हमारे रियासी में ऐसा नहीं है कोई एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा टांग खींचे तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है इस चीज़ में रेसी वालों से आप अभी मेरे को बताओ ब्लॉग्स में हम देखते रहते हैं फैमिली का काफ़ी सपोर्ट आपको इन चीज़ों में मिल रहा है तो फर्दर आप अभी कोई कॉमेडी वगैरह कोई लाइंस फैमिली पे अभी तक आपने कुछ सोची है मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने वहाँ पे अपनी फैमिली की स्टोरी बताई है कि जैसे कि मैं तीन बहनें है मेरी बड़ी और उसके बाद मैं हूँ ठीक है mm. और मतलब बचपन में ऐसा होता था कि मुझे कहीं जाना है और वही होता था कि अच्छा इनके लिए तीन के लिए ये वाले कपड़े ले रहे हैं इसके लिए भी यही ले, ले लेते हैं अच्छा मेरी बड़ी दीदी हैं उनके कपड़े अच्छा इसको छोटे हो गए इसको पहना दो मतलब लाइफ के बीस से पंद्रह से बीस साल मुझे अपने आप को पहचान में ये लग गया कि मैं लड़की हूँ कि लड़का हूँ क्योंकि मैं लड़कियों के कपड़े पहन के चला जाता था कई बार ऐसा होता है ना कि भंडारे में जाओ अच्छा आज जैसे नवरात्रों के बाद के पूजी जाती हैं ठीक है और मम्मा मुझे भी फ्राक लगा के भेज देती जा दो पूड़ियों के चक्कर में मैं लड़के बनता था बचपन में तो वही सिलसिला चलता आ रहा है मतलब फैमिली में भी काफ़ी फ़नी माहौल है मेरी मम्मा पापा इतना स्पोर्ट सिस्टर करते हैं बहुत मतलब फैमिली ब्लॉग है ना वो हर चीज़ में इन्जॉय करते ही हैं अब मम्मा भी हैं पापा भी सब ऐसे ही हैं तो काफ़ी मजा आता है मतलब एक होता है ना कि हाँ कभी कभी लगता है लोगों को कि नहीं फैमिली में इसको बड़ा 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 प्यार मिलता है पर ऐसा कुछ नहीं है <laughs> फैमिली में सबसे ज़्यादा काम मुझसे करवाया जाता है जब दीदी और घर पे आते हैं कि छोटा देख के ओए पानी ले आ और मैं उनको मना भी नहीं कर सकता लोगों को लगता है ये तीसरे नंबर है ये प्यार है ये प्यार है ये मजबूरी है चलिए चलें आप बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लर्क हमारी तरफ से थैंक यू सो मच राहुल जी थैंक यू सो मच तो हैप्पी का जो पूरा ये वीडियो है इनका स्टैंड अप कॉमेडी का वो आपको कुछ दिन के बाद जो है वो बकलोल टीवी पे मिल जाएगा हम भी उसका लिंक आपको न्यूज़ पोस्ट एरासी में दे देंगे जब वो रिलीज़ होता है मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि इस स्टैंड अप कॉमेडी शो जो है वो इन्होंने किया और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हैप्पी जो है इस चीज़ के लिए परफेक्ट हैं देखते हैं न्यूज़ पोस्ट पोस्टी राहुल कपूर कैमरा नमन शर्मा के साथ जय हिंद धन्यवाद